Zee5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सॉरी, सीरियसली तुम और वो मेरा मिस्टर मैनेजर बिल्कुल एक जैसे हो, बात बात पे लॉस्ट हो जाते हो। वैसे क्या सोच रही थी? सॉरी काया, मतलब मुझे अजीब लग रहा है, मुझे ऐसे तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहिए था, पता नहीं। एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए ना, तुमसे वो सारे सवाल तो मैंने पूछे थे, तेरी वजह से तुम्हें उस पेनफुल इंसान की फिर से याद आ गई और वो सारी पुरानी बातें भी याद आ गई। गलती मेरी है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ऐसी कोई बात नहीं की या कोई सवाल नहीं पूछा जिसकी वजह से मुझे रोना आ गया। पता नहीं आंसुओं को ना बस बहाना चाहिए, कुछ याद आ जाता है और फिर नहीं रुक पाते हो। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि आंसू बहाने से, रोने से मन हल्का हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, पर दर्द तो कभी कम नहीं होता। समझ सकती हूँ, चोट जब दिल की हो और गहरी हो तो उसे भरने में वक्त लगता है। एक मिनट, क्या तुम उठ क्यों गई? क्या हुआ? यू फील इट? पूरे रूम की वाइब इमोशनल, सैड, अपसेटिंग, इसे चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट। आउट क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फीवर भी नहीं है। पर एक सेकेंड, ओह गॉड, इसे तो रिसीव करना ही पड़ेगा। तुम फोन रिसीव कर लो, मैं फ्रेशन अप होकर आती हूँ। शहाना, मेरी माँ, ये तीसरा कॉल है तेरा। प्राची, तू गनीमत समझ के मैं तुझे कॉल कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं तेरे पास आऊँ और खड़ी हो जाऊँ। पता है मैं तुझे कितना मिस करी हूँ, इतने दिन लाइफ में मैं कभी नहीं दूर रही तुझसे। अभी बड़ा मिस कर रही है। जब मैं तेरे साथ होती हूँ तो लड़ाई करती है, मुझसे झगड़ा करती है, परेशान करती है मुझे। इसलिए तो तुझे मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है। प्राची, तू एक बार बोल दे, मैं फ्लाइट पकड़ के तेरे पास आ जाऊंगी। फ्लाइट कोई पकड़ता नहीं है, फ्लाइट में बैठ के आते लोग। हाँ हाँ, तू पॉइंट पकड़ना, बातों को क्या पकड़ रही है? मैं तेरा पॉइंट पकड़ रही हूँ, जो भी है। डोंट वरी, जल्द ही तू फ्लाइट में बैठ के यहाँ आ रही है मेरे पास, ठीक है? अच्छा ये बता, वो जो रेंटल हाउस था उसका कुछ हुआ? नहीं, अभी 2-3 दिन लगेंगे, तब तक मैं यही हूँ होटल में। वहाँ पे सब ठीक है ना तेरे साथ? हाँ बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। मतलब तू मुझे मिस नहीं कर रही है? तुझे तुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है क्यों, मुझे ना एक नई दोस्त मिल गई यहाँ पे, बहुत प्यारी लड़की है, उसका नाम है काया और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्राची, तू ना मुझे जेलस फील मत करवा, तू जिससे जेलस फील करवाती है ना, एंड में वो इंसान विलेन ही निकलता है, तूने हमेशा देखा है। पागल है तू। अरे वाह, तुम हंसती भी हो, और कौन है वो जो तुम्हें हंसा सकता है? एक पागल लड़की, मेरी बहन कम फ्रेंड कम फिलोसोफर कम गाइड, मेरी छोटी बहन शाहाना। बातें इतनी उटपटांग करती है ना कि इसकी बातें जोक से कम नहीं होती। मुझे हंसी आती है और फिर मुझे अच्छा लगता है। हाँ प्राची, मैं तुझे बोल रही हूँ, मुझे ना अभी से फीलिंग आ रही है कि लड़की ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चुप कर, चल मैं बाद में फोन करती हूँ, कुछ काम कर तू। बाय बाय। कौन है ये? क्या नाम बोला तुमने? शाहाना, राइट? इसकी ना एक फिलॉसफी है, ये चीजें शेयर करने में बिलीव नहीं करती। कहती है कि शेयरिंग इज नॉट केयर। स्पेशली जब मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़े ना, तो ये बहुत जेलस हो जाती है और वो इंसान इसका दुश्मन बन जाता है। इंटरेस्टिंग, आई एक्चुअली एग्री विद हर। Zee5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।